फ्रेंड्स, क्या आप अपने लिए एक रेंटेड हाउस देख रहे हैं? तो आप मेरे ये वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैंने बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कस किया है कि क्या क्या चीज़ें आपको रिमेंबर करनी है ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वेलकम टू माय चैनल शिजी वर्ल्ड। शिजी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये है, आपको फिगर आउट करना है कि कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, यानी मंथली इनकम आप कितना आप फिक्स आप मंथली दे पाएंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल करके आपको बता देती हूँ। आप ये देखें कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर्स हैं, दो लोग रहते हैं या तीन लोग रहते हैं, चार लोग रहते हैं, उनके अनुसार आपका मंथली कितना आपके जो मैंडेटरी इनकम मैंडेटरी एक्सपेंसेस जो जाते हैं वो है, इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं, वाटर बिल्स में जाते हैं, आपके ग्रोसरी आइटम जो हम डेली नीड्स के लिए जो लेते हैं उसके लिए, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए काफ़ी बार हमारे से ये जो रेगुलर एक्सपेंसेस जो होते हैं उन वो एक सेग्रीगेट करके रख दीजिए। थोड़ा और इलाबरेट करके बता देती हूँ। अगर आप सपोजिंग आपकी इनकम अगर 20,000 है और आपने कैलकुलेट किया कि हाँ वाटर बिल इतना आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आ सकता है, आपके जो एक्सपेंसेस है ग्रॉसरी आइटम्स जो है उसमें लगभग इतना आता है, और ऐसा करके टोटल किया आपने कुछ लगा के 5,000 समथिंग, तो बाकी बचते हैं हमारे 15,000 रुपये। तो ये जो 15,000 है, हम टोटली 15,000 में रेंट आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो हो सकता है कि हमारा जो इन जो मंथली जो रेंट है, हम कह सकते हैं कि 10,000 से कम, ऐसे करके हम एक बजट एक अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको जो जानना है वो है आप कौन से साइज़ ऑफ रूम में रहना चाहते हैं। सिंगल रूम हो गया या डबल रूम हो गया, दो रूम्स लेना चाहते हैं, वन बेडरूम लेना चाहते हैं, दो बेडरूम लेना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके, कई लोग होते हैं जिनको पता नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो उनके लिए मैं एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इसके लिए जल्दी से दे देती हूँ। सिंगल रूम का मतलब एक रूम होगा, उसका साइज़ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो रूम और किचन शायद हो सकता है शेयरिंग में हो, वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, प्लेस टू प्लेस। दो रूम, दो अलग अलग रूम्स होंगे वो। वन बेडरूम यानी एक हॉल होगा और एक रूम होगा और किचन और बाथरूम। फिर टू बेडरूम यानी एक हॉल, दो रूम और किचन और बाथरूम। तो ये था साइज़ ऑफ द रूम। नेक्स्ट थिंग आता है कि आप कौन से फ्लोर में, हो सकता है कि आपके साथ कोई एल्डरली पर्सन होता है तो उनको शायद हो सकता है टी टॉप फ्लोर ना ले पाएँ, या कुछ लोग प्रेफर करते हैं फर्स्ट फ्लोर। मेरा एक पर्सनल एडवाइस एक यही है कि आप कभी भी टॉप फ्लोर पे फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही, जब भी इवन नॉर्थ इंडिया में अगर नोटिस किया है फ्रॉम मार्च से लेके इवन जुलाई तक बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो उसमें क्या होता है कि टॉप फ्लोर में बहुत ज़्यादा ही हीट आता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है अगर आपके पास एसी ना हो तो बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। कहीं इसी रीजंस की वजह से काफ़ी लोग टॉप फ्लोर नहीं लेते हैं, सीढ़ियों की वजह से तो एक रीज़न है ही, बट टॉप फ्लोर इसीलिए भी नहीं लेते हैं। ये एक पीस ऑफ एडवाइस है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये है कि आप उनसे पूछें कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कैसे आता है। ये नॉर्मल बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के थ्रू, जो नॉर्मल बिल आता है वो आता है, या कुछ लोग क्या करते हैं कि वो यूनिट पे देते हैं। अब एक यहाँ पे एक और आपको बहुत गौर करने की बात ये है कि जैसे दिल्ली में जैसे हो गया, आपको पता है कि केजरीवाल जी ने मुफ्त किया है बिजली का बिल अप टू 200 यूनिट, 200 यूनिट से नीचे जो भी बिल आते हैं वो उसमें पे नहीं करना पड़ता है।
तो उस केस में क्या होता है, अगर आपका कोई ओनर बोलता है कि मैं 6 पर यूनिट देता हूँ या आपको 8 पर यूनिट के हिसाब से आपको बिल देना पड़ेगा, तो वो आपको जो जो यूनिट आपको उस पे कैलकुलेट होगा वो सारा उसके जेब में जाएगा, क्योंकि आपको पता है 200 यूनिट और बिलो वो फ्री है। तो वो गौर कर कीजिए। तो कई बार जो ओनर होते हैं वो सब मीटर लगाते हैं, तो वो भी एक बार केयरफुल रहें, क्योंकि सब मीटर में लगाने से काफ़ी टाइम ज़्यादा ही एक्सपेंसेस होता है। तो हो सके तो रेगुलर बिल जिसका हो उन्हीं का ही घर आप लें। नेक्स्ट आता है पानी की तरफ। पानी उनसे पूछिए कि ये पानी जो है जल बोर्ड के थ्रू आता है या आपका बोरवेल सिस्टम है। आपको इसमें एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि ये जो बोरवेल का पानी होता है वो पीने लायक नहीं होता, और कई बार तो उससे काफ़ी बाल भी झड़ते हैं, इवन बॉडी के लिए भी उतना सूटेबल नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो यूज़ करते हैं। कई लोग आरो फिट कराते हैं जिनके घर में बस बोरवेल ही आता है, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिए। अब ऐसा है कि आपको आपको आपने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन वो घर से आपने ओनर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, आपको लगता है कि चलो ये ठीक है, विजिट करने लायक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप जब वहाँ जाएंगे तो प्रॉपरली अपने आँखों से एक बार चेक कर लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे आ रहा है, सप्लाई हो रहा है, कोई स्विच ऑन ऑफ करके देख लीजिए वहाँ पे पावर है कि नहीं है। कई बार लाइट्स नहीं होते, कई बार फैंस लगाए नहीं होते, तो वो आप पहले ही एक बार अपने अपने दिमाग में रेक्टिफाई कीजिए कि वो सब लगाए गए हैं। पानी यानी पाइप्स को एक बार चेक कर लीजिए कि उसमें पानी आ रहा है कि नहीं। टैंक जाके अगर हो सकता है पॉसिबिलिटी हो तो एक बार टैंक में, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब हम जो बुक करने के बाद क्या होता है, कई बार जो ओनर्स है वो मुँह मुखर जाते हैं, तो पहले तो वो पहले अगर बोल दें तो शायद वो देख कंसिडर कर भी सकते हैं। तो ये आपके लिए एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था। एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देती हूँ। कई बार जो होता है ओनर्स जो हैं एडवांस पेमेंट लेते हैं, एडवांस मतलब 2 मंथ का एडवांस। अगर सपोजिंग वहाँ का रेंट जो है मंथली रेंट 10,000 का है, तो वो बोलते हैं कि 2 मंथ का पहले से ही आपको मेरे को डिपॉजिट करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द रेंट, यानी आपको 20,000 तो देना ही देना है एडवांस में, 10,000 2 मंथ का और प्लस द रेंट, दैट इज़ 3 टाइम देना पड़ेगा, मतलब 30,000 करके देना पड़ेगा। तो वो कई बार जब आप जो घर छोड़ के जाते हैं, जब शिफ्ट करते हैं दूसरे घर में, तो कई बार उनके पास रीज़न होता है कि आपने मेरा कील ठोक दिया या कुछ हमारे डैमेज कर दिया हमारे हाउस को। तो उस केस में बचने के लिए आप जैसे ही आप शिफ्ट करते हैं तो एक वीडियो, जब आप पहले दिन जैसे ही आप शिफ्ट करते हैं उस टाइम एक वीडियो अच्छी तरह से बना दीजिएगा, और इवन आफ्टर एग्ज़िट जैसे ही आप घर नेक्स्ट घर से शिफ्ट करते हैं उस टाइम भी एक बार वीडियो एक बार पूरे एंटायर हाउस का आप एक ले लीजिए, ताकि उसको कोई भी चांस ना रहे कि आपका जो पैसा जो आपने डिपॉजिट के नाम पे लिया था वो आपको ना कटे। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ ऐसे साइट्स जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे घर ढूंढने के लिए, उसमें से कहीं नाम मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगी। 99acres.com है, housing.com है, nobroker.com है, मैजिक ब्रिक्स है। इसके अलावा काफ़ी सारे और साइट्स हैं, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये मेरे को बताएं, बहुत ही यूज़फुल होगा मुझे लगता है। और मुझे मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अनटिल वी मीट नेक्स्ट, टिल देन बाय बाय।